हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका साथी डॉक्टर त्रिपाठी और टॉपिक का नाम है रिलेशन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 को फोकस करते हुए रिलेशन को समझेंगे। तो जैसे ही मैथमेटिक्स में रिलेशन आ जाता है तो आपको इंग्लिश का जो रिलेशन वर्ड है कि इससे वो कनेक्टेड है, उससे उसका रिलेशन है, उससे उसका रिलेशन है, तो वो रिलेशन जो दिमाग में आता है लगभग ये उसी तरह का रिलेशन है। तो जब वो रिलेशन आपके दिमाग में आता है कि ए का रिलेशन बी से है, तो ए का रिलेशन बी से है तो ए कहीं ना कहीं से आएगा, तो कहीं ना कहीं से आएगा, तो जहाँ से वो आएगा उसका नाम होगा, उस फैमिली का नाम होगा, उस सेट का नाम होगा। तो ये मान लीजिए कि वो सेट है जहाँ से कोई आएगा, इसका किसी से रिलेशन होगा। तो किसी से रिलेशन होगा तो उस सेट का नाम क्या होगा? तो मान लीजिए कि उसका सेट का नाम क्या होगा? बी होगा। ए का रिलेशन बी से है, ए के एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट्स से है, ए के एलिमेंट्स का कनेक्शन बी के एलिमेंट्स से है। तो ए के एलिमेंट से मान लीजिए कि ए का एलिमेंट है ए, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, इसके रिलेशन इसके एलिमेंट्स का नाम है मान लीजिए कि एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, यू है, वी है। ज़रूरी है क्या इसमें कम एलिमेंट्स हों, इसमें ज़्यादा हों, या इसमें ज़्यादा हों, इसमें कम हों? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, ये अपने हाथ की बात नहीं है, ये तो पहले से ही दिया रहता है। तो इसके एलिमेंट्स का रिलेशन इससे है, इसके एलिमेंट्स इससे कनेक्टेड हैं। कहीं दिया है क्या कि कनेक्टेड है? नहीं दिया। लेकिन अगर मान लो मैंने एक ऐसे एरो बना दिया तो इसका मतलब है ए का कनेक्शन एक्स से है, ए का कनेक्शन वाई से है। क्या एक एलिमेंट का कई लोगों से कनेक्शन, कई एलिमेंट्स से कनेक्शन हो सकता है उसके? यस, कई से भी कनेक्शन हो सकता है, ज़्यादा से भी, ए का यू से भी हो सकता है, बी का किससे, बी का किससे रिलेशन हो सकता है? ए का एक्स से रिलेशन है तो बी का एक्स से हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बी का एक्स से हो। बी का क्या एक से हो गया है तो क्या वाई से भी हो सकता है? हाँ वाई से भी हो सकता है। बी का क्या किसी और से भी हो सकता है? हाँ किसी और से भी हो सकता है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे जिसका सबसे कनेक्शन हो? ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी एक एलिमेंट है इसका सबसे रिलेशन है, इसका सबसे रिलेशन है। क्या इसमें कोई एलिमेंट खाली भी रह सकता है? हाँ इसका एलिमेंट कोई ऐसा भी रह सकता है जो खाली हो, जिसका वहाँ किसी भी एलिमेंट से रिलेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या इसमें भी कोई खाली रह सकता है? मान लीजिए कि इसका एक एलिमेंट है पी जो खाली है, क्या इसमें एक और एलिमेंट खाली रह सकता है? हाँ ऐसा भी रह सकता है कि कोई एलिमेंट्स उसके खाली हैं, इसके भी खाली हैं, जिनका आपस में किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली रिलेशन इज़ व्हाट? तो आओ रिलेशन को मैथमेटिकली समझते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि हमने जब कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देखिए, ए एक ऐसा सेट है, बी एक सेट है, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, इसके एलिमेंट मान लें 2, 3, 4, 5, 6 हैं। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबको कंसीडर करना जरूरी है, सारी पॉसिबिलिटी। 1 का किसी से भी रिलेशन हो सकता है, 2 का किसी से भी हो सकता है, 3 का किसी से भी हो सकता है, भाई 3 का किसी भी एलिमेंट से हो सकता है, 4 का भी सही है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये जो सारा आपको ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, सारी जो ज्योमेट्री दिख रही है, ये बेसिकली ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करती है। इसमें हमने ए क्रॉस बी के सारे केसेस ले लिए। पर ये सारे एलिमेंट्स इस तरीके से रिलेटेड होंगे क्या? नहीं, रिलेशन डिफाइन होगा। तो रिलेशन डिफाइन होगा तो रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? तो रिलेशन डिफाइन करने के तरीके हैं। तो रिलेशन बेसिकली होगा क्या? तो रिलेशन होगा तो इन्हीं में से कोई केस,
ये तो वन के सारे कनेक्शन है, टू के सारे कनेक्शन, थ्री के सारे कनेक्शन है, फोर के सारे हैं, फाइव के सारे हैं, सॉरी थ्री के सारे हैं, फोर के सारे हैं, इनसे कनेक्टेड कनेक्शन से, लेकिन उनमें से उस रिलेशन में कौन से कनेक्शन आएंगे। तो रिलेशन बेसिकली अपने को एक डिफाइन करना पड़ता है कि रिलेशन क्या है। जैसे रिलेशन मान, तो रिलेशन में इसमें देखो, ए का रिलेशन बी से है, मान लो ए का रिलेशन बी से है, पर ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि ए के एलिमेंट बी से बड़े होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि ए के एलिमेंट बड़े होना चाहिए बी से। तो वन किसी से बड़ा है क्या यहाँ पर? नहीं है। ए कहाँ से आएगा? ए यहाँ से आएगा, ए मान लो यहाँ से आएगा। बी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो वन क्या सबसे बड़ा है क्या किसी से? नहीं। तो वन कॉमा समथिंग नहीं आएगा। टू किसी से बड़ा है क्या? नहीं है। थ्री किससे बड़ा है? टू से। तो इसमें कौन से केस आएंगे? इसमें आएगा थ्री कॉमा टू। और फोर का किससे है? तो फोर किससे बड़ा है? फोर टू से बड़ा है, फोर थ्री से भी बड़ा है। तो इसमें आएगा फोर का रिलेशन टू से आएगा और फोर का रिलेशन थ्री से आएगा। और अगर आप इसको इस तरीके से वेन डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो वेन डायग्राम से बताने के लिए आपको ऐसा बताना पड़ेगा, वन टू थ्री फोर, इधर आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और देखें थ्री का रिलेशन किससे है? टू, ये रिलेशन है। फोर का रिलेशन किससे? फोर का रिलेशन टू से भी है, फोर का रिलेशन थ्री से। बाकी सब खाली बचे रह गए। क्या डिफाइन किया था आपको रिलेशन, किस तरह से डिफाइन किया था? डिफाइन किया था कि ए के मेंबर्स जो हैं, ए के मेंबर्स बी से बड़े होना चाहिए। छोटा भी हो सकता है क्या? हाँ, डिफाइन कर दें कि ए लेस देन बी है, तो फिर आपको वो लेने के पड़ेंगे केसेस जिसमें ये वाले एलिमेंट्स से छोटे हों, तो फिर उनको छांटना पड़ेगा। तो बेसिकली रिलेशन इज़ व्हाट? रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का मतलब इन सारों में से कुछ केसेस होंगे, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सारे भी हो सकते हैं क्या? हाँ, सारे भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हो भी नहीं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं भी हो, कोई रिलेशन ही नहीं हो। जैसे इस केस में कैसा हो सकता है? ऐसा रिलेशन दे देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको एक नया रिलेशन मैंने बोल दिया, इसमें और इसमें, ए इसमें है, बी इसमें है, और रिलेशन ऐसा होना चाहिए ए प्लस बी ग्रेटर देन 100, दोनों को मिला के 100 से बड़ा हो। तो 100 से बड़ा होगा क्या? 1 प्लस 200 होगा से बड़ा होगा क्या? 1 प्लस 3 होगा क्या? 1 प्लस 4 होगा क्या? 1 प्लस 6 होगा क्या 100 से बड़ा? नहीं, ऐसे 2 प्लस 2 नहीं होगा, 2 प्लस 6 नहीं होगा। 4 को सबसे ऐड करो, कभी 100 से बड़ा होगा क्या? नहीं। तो इसमें इसमें क्या होगा फिर? इस केस में रिलेशन क्या होगा? खाली हो जाएगा, वो रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? फाई फाई। कैसा सेट? नल सेट। ऐसा सेट हो जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। जैसे इसमें कई एलिमेंट आए तो ऐसा भी हो सकता है। तो रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ निश्चित परिस्थितियों में, कुछ निश्चित कंडीशंस में, एंड दोज कंडीशंस आर कॉल्ड रिलेशंस। उन्हीं कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हीं कंडीशन को हम रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान से सुनिए अब आप, रिलेशन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, आर एक रिलेशन है ए से बी में, मतलब आर एक सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, अंडर सम कंडीशंस। तो वही जो कंडीशन है, उन कंडीशन को ही रिलेशन कहते हैं। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अंडर सम कंडीशंस। और जो ये कंडीशन है, कंडीशन भी हो सकता है, कंडीशंस भी हो सकता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं आप? रिलेशन कहते हैं। इसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम? रिलेशन कहेंगे। और अगर
ऐसा दिया हो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी दिया है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको दिया हो अ रिलेशन ऑन ए, एक रिलेशन अगर आपको दिया है, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं है, अ रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या होता है, इसको एरो में भी ऐसा लिखते हैं, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आर का रिलेशन, आर रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए से बी में ढूंढना है, अ रिलेशन ऑन, अ रिलेशन आर ऑन ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्यों, इस केस में आर कहाँ, ऑन ए का मतलब है कहाँ से कहाँ डिफाइंड रहेगा, आर ए से बी में नहीं डिफाइंड होगा, आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, आर विल बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। इसकी टर्मिनोलॉजी का भी मतलब समझिए, आर डिफाइंड ऑन ए, इसमें क्या है, आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आर ए से बी में डिफाइंड है, तो आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, इसमें आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, अगर आर ए पे डिफाइंड है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको पिक्चर थोड़ी सी और अच्छी क्लियर होगी, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बेस एक बार बन गया फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें क्योंकि बेस बनना जरूरी है। देखिए, एक रिलेशन है, पहला एग्जांपल, लेट आर इज इक्वल टू, आर को ऐसा भी देते हैं, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, बी अ रिलेशन, बी अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए 1, 2, 3, 4 टू कैपिटल बी 2, 4, 5 देन फाइंड आर, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, आर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर डिफाइंड है ए से बी में, ए टू बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये इसमें 4 है इसमें 3 है, 12 एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 4, 2, 5, 3, 2, 3, 4, 3, 5 फिर दूसरा, अब किससे का होगा, 4, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 4 ये हो गए, लेकिन R में कौन से आएंगे, पर R में वो आएंगे जिसमें A कॉमा B, वही A कॉमा B आएंगे जिसमें A ग्रेटर देन B होगा, यानी पहला वाला दूसरे वाले से, यानी एब्सिसा ऑर्डिनेट से बड़ा होगा, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट से ये इसमें बड़ा है क्या, नहीं इसमें नहीं, एब्सिसा मतलब पहले वाला, ऑर्डिनेट बाद वाला, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा नहीं, इसमें है ये आएगा, फिर इसमें आएगा नहीं, इसमें हाँ ये आएगा, तो R के अंदर केवल और केवल दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से दो एलिमेंट आएंगे, R के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, यही मैं लिख देता हूँ, इसके आगे R के, R की वैल्यू होगी, R के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, एक तो आएगा 3, 2 एक आएगा 4, 2 और कोई भी एलिमेंट R में नहीं आएगा, तो ये R के एलिमेंट्स हो गए इस केस में। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ, इस पे बेस्ड बात करते हैं, जो
ये डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो आपकी एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है लेट ए बी। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन। ए दिया है आपको 1, 2, 3, 4 अप टू 14, 1 से लेके 14 तक एक रिलेशन डिफाइन है। कैसा रिलेशन डिफाइंड है? आर के अंदर वो एक्स कॉमा वाई आएंगे सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर आपको इसका डोमेन क्या लिखा हुआ है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर आपको आर निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको, आर डोमेन ऑफ आर, मैं सिखाऊंगा आपको डोमेन ऑफ आर क्या होता है, रेंज ऑफ आर एंड कोडोमेन ऑफ आर। ये भी बताऊंगा मैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। आप चिंता नहीं करें, बने रहें, बस साथ में देखते रहें। तो ए के अंदर क्या है, देखो आर किस पे डिफाइंड है, आर डिफाइंड है ए पे। तो हमें ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए में 14 एलिमेंट्स हैं, तो नेचुरली ए क्रॉस ए में 196 एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस ए में 196 एलिमेंट्स होंगे, तो आप समझते हैं कि 196 एलिमेंट्स लिखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस ए में एलिमेंट आएगा 1, 1, 1, 2, फिर 1, क्या आता आ जाएगा, 1, 3 भी आएगा, 1, 14 आएगा, फिर 2, 1 आएगा, 2, 1, 2, 2 से लेके 2, 14 आएगा, फिर आपका आएगा 14, 1 से लेके कहाँ तक आएगा 14, ये आर के एलिमेंट्स होंगे, सॉरी ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। आर में कौन आएंगे, आर में वही एलिमेंट्स आएंगे जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, या फिर ऐसा कहें कि 3x इज इक्वल टू वाई होगा, यानी कि जिसमें बाद वाला पहले वाले का थ्राइस होगा। तो बाद वाला पहले वाले का थ्राइस होगा तो 1, 3 होगा, बाद वाला पहले का थ्राइस है, 2, 6 होगा, 3, 9 होगा, 4, क्या होगा 12 होगा, 5, 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 5, 15, क्योंकि 15 उसके अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो 5, 15 नहीं होगा। तो 5, 15 आप हटा दें, आपके आंसर में यहाँ तक होगा। अब सवाल उठता है कि डोमेन क्या चीज़ है, तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, आर में जितने भी ये एक्स आए हैं, जो पहले एलिमेंट है, जो एप्सिसा है, एप्सिसा आर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स हैं, जो पहले एलिमेंट्स हैं, वो डोमेन में आएंगे। तो डोमेन हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4। डोमेन क्या हो जाएगा, जो आर रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक्स हैं। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा, रेंज ऑफ आर जो बाद वाले एलिमेंट हैं जो आर को सेटिस्फाई करते, तो होगा 3, 6, 9, 12, ये क्या बन जाएगा आपका रेंज। तो डोमेन आपको समझ में आया कि डोमेन क्या चीज़ है, फिर मैं आपको कोडोमेन भी बताता हूँ, आप चिंता नहीं करें। तो डोमेन आप समझे पहले, अगर
आर कहां से, मैं आपको फिर से लिखता हूं, डोमेन ऑफ आर, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं। इफ आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए, इफ अ रिलेशन, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, देन ऑल सेट ऑफ, देन सेट ऑफ, देन सेट ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, आर के जो भी एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी आर के देखो आर ये है, इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स जो हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स के, वो डोमेन कहलाते हैं। इफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन सेट ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, डोमेन ऑफ आर। और रेंज क्या चीज है, तो रेंज क्या चीज है, तो रेंज भी इसी तरह से आप ये नोट भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको कोडोमेन बताऊंगा, फिर आपको इस क्वेश्चन के कोडोमेन का आंसर बताऊंगा, आप तब तक इस डेफिनेशन पे फोकस करें। अगर आपका रेंज, ध्यान से सुने, रेंज में क्या होगा, इफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड, ठीक है, देन सेट ऑफ ऑल वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स सेट ऑफ ऑल वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, उसको क्या कहेंगे हम, आर का रेंज, जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। रेंज ऑफ आर, क्लियर है मेरी बात आपको, कि डोमेन कौन सी चीज है और रेंज कौन सी चीज है। अब अगर आपको कोडोमेन निकालना है, तो कोडोमेन क्या चीज है, कोडोमेन देखिए आप ध्यान से, कोडोमेन, कोडोमेन बहुत सिंपल है, इफ अ रिलेशन आर is defined from A to B, अगर A relation A से B में defined है, then B is called codomain of R। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो range है, रेंज आपने देखा, रेंज कहाँ से मिलता है, अगर रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, तो एक्स कहाँ से बनेगा, एक्स बनेगा ए से, और वाई कहाँ से बनेगा, ध्यान से देखो, आर क्या चीज़ है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो एक्स होंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वाई। आर कैसे बनेगा, आर इन्हीं से तो बनता है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किसका मेंबर होगा, ए का, वाई किसका मेंबर होगा, बी का। और यहाँ क्या आ जाएगी आपकी कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन को क्या बोलोगे आप, कंडीशन इज नोन एज रिलेशन। अब आप देखें कि ये जो एक्स है मतलब डोमेन, डोमेन किसका सबसेट होगा, डोमेन सबसेट होगा ए का, और कोडोमेन किसका सबसेट होगा, सॉरी रेंज किसका सबसेट होगा, रेंज सबसेट होगा बी का, और बी को ही कोडोमेन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन इसी को कोडोमेन कहते हैं, इसी को कोडोमेन कहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान अच्छे से रखें कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या चीज है। फिर से मैं एक बार वेन डायग्राम में लिख देता हूं, फिर आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए अगर आर आपका ए से बी में डिफाइंड है, ये ए है और ये क्या है आपका बी है, इस बी को क्या कहोगे आप, इस बी को ही आप कोडोमेन कहो, इस बी को आप कहो कोडोमेन, ये बी आपका कोडोमेन बन गया। डोमेन कहां से आएगा, डोमेन इसके अंदर से आएगा, हो सकता है ये पूरा हो जाए, ये डोमेन। और रेंज कहां आएगा, ये रेंज इसके अंदर होता है। तो डोमेन क्या सब चीजें, डोमेन आपका ए का सबसेट होगा और रेंज आपका किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, रेंज आपका सबसेट होगा कोडोमेन का। आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर वन में आर कहां से कहां डिफाइंड था, तो आर वाज डिफाइंड ऑन ए, आर ए पे डिफाइंड था। अगर आर ए पे डिफाइंड है तो इसका मतलब आर कहां से कहां डिफाइंड है, ए से ए में डिफाइंड है। तो आपके क्वेश्चन में कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन ऑफ आर ए होगा, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि आर कहां से कहां डिफाइंड था, आर ए से ए में डिफाइंड था। तो ये हमने रिलेशन के कंसेप्ट समझे बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं, क्वेश्चंस में ज्यादा परेशानी नहीं है, क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखें, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे लिख भेजें, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूँगा। और चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में एक रिलेशन है, डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन। आर किस पे डिफाइंड है, आर ऑन एन, एन का मतलब है नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और R कैसे डिफाइंड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, नंबर लेस देन 4, और आगे लिखते हैं x कॉमा वाई बिलोंग टू n, x और y क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आप ध्यान से समझें, बहुत सिंपल है, तो इसमें कोई खास बात है नहीं। आपको सबसे पहले तो n क्रॉस n निकालना चाहिए, फिर n क्रॉस n में से, तो n क्रॉस n क्या होगा, n क्रॉस n क्या प्रैक्टिकली आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, 1, 1, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर 2, 1 से लेके 2, 2 इन्फिनिटी तक, फिर ये भी इन्फिनिटी तक, तो ये तो बहुत बड़ा सेट होगा, ये नहीं निकालना है आपको,
आप तो ये देखिए कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर चाहिए, क्या होना चाहिए, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x क्या क्या हो सकता है, x 4 से छोटा 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 4 भी नहीं हो सकता, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो यही हो सकता है। और y क्या होना चाहिए, इसमें लिखा है y नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 1 से x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, आप देखो हमारे पास है y इज इक्वल टू क्या दिया है, x प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी होना चाहिए, y की वैल्यू आप रख देंगे तो 6 नेचुरल नंबर है, 2 रखा 7 आया नेचुरल है, 3 रखो 8 आएगा, फिर आपका r क्या बनेगा, r आपका बहुत सिंपल है, ये आपका r बन गया, क्या बन गया आपका r, 1.6, 2.7, 3.8, ये आपका r बन गया। अब आपसे क्या पूछा है उन्होंने कि राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ r, तो डोमेन और रेंज क्या चीज़ है, तो डोमेन मैंने आपको बता दिया कि डोमेन में r के एलिमेंट्स के जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं वो डोमेन है, डोमेन ऑफ r। r का डोमेन तो पहला 1, 2, 3, रेंज ऑफ r, r का रेंज 6, 7, 8। कोडोमेन नहीं पूछा, मैं फिर भी लिख देता हूं, कोडोमेन ऑफ r, r कहां से कहां डिफाइंड है, r डिफाइंड है n से n में, तो कोडोमेन भी कौन होगा उसका, कैपिटल N होगा। एक बार बेस अच्छा बन जाए फिर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम दोस्तों है ही नहीं, प्रॉब्लम कंसेप्ट में, इसीलिए मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मतलब मैं क्या फोकस करता हूँ, आप लोग चाहते हैं तभी तो आप देखते हैं। अब दूसरा केस, थर्ड क्वेश्चन, ए कैपिटल ए इज अ सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 5, नॉट 4 नहीं है, 1, 2, 3, 5। बी 4, 5, 6। आर क्या चीज है, आर उन्होंने डिफाइन किया है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां है, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, आर आर में वो एक्स कॉमा वाई आएंगे सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, x कॉमा वाई, और x कॉमा वाई कहाँ बिलोंग करते हैं, तो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, ये भी दिया है, x कहाँ होगा, a में होगा, y b में होगा, फाइंड क्या करना है, तो लिखा है राइट r इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म मैंने आपको सेट्स के लेक्चर में बताए हुए, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, सेट्स के लेक्चर 1 की लिंक में आपको रोस्टर फॉर्म मिलेगा। तो रोस्टर फॉर्म कोई खास बात नहीं है, जो अभी तक हम r की वैल्यू निकालते हैं उसी को रोस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले r a से b में डिफाइंड है, तो सबसे पहले आप a क्रॉस b निकाल लें, a क्रॉस b क्या आएगा, 1, 4। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में आ रहा हो कि 1, 4 होना चाहिए, 1, 6 होना चाहिए, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, 1 और 6 का ऑड है, 1 और 5 का ऑड नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ। ए क्रॉस बी निकाल दिया, ए क्रॉस बी निकालना ज़रूरी है क्या हमेशा, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, नहीं भी निकालेंगे चलेगा, मेरे हिसाब से आप फिर भी अपने टीचर से ज़रूर पूछें।
ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस बी में जिनका डिफरेंस ऑड आता हो, जैसे 1.4 का ऑड आता है, अंडरलाइन कर दो, 1.5, 1 और 5 का डिफरेंस, 1 माइनस 5, -4 इवन है नहीं, 1.6 का डिफरेंस आता है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, 3.4 का डिफरेंस 1, डिफरेंस बोलेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है ना, या 3 माइनस 4 भी करोगे तो -1 भी ऑड होगा, नेगेटिव वाले भी ऑड होते हैं, 3.5 नहीं, 3.6 चलेगा, 5.4 चलेगा, 5.6 चलेगा, तो जो जो अंडरलाइन किए वो आर के मेंबर हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 1.4, 1.6, 2.5, 3.4, 3.6, 5.4, 5.6। अब इसमें डोमेन और रेंज नहीं पूछा है, डोमेन पूछते हैं तो ये 1.1 दो बार आता तो एक ही बार लिखना, डोमेन होगा 1, 2, 3, 5, रेंज कौन होगा 4, 6, 5, मतलब 4, 6, 5 होगा, और कोडोमेन कहाँ कौन होगा, तो आर ए से बी में डिफाइंड है, तो बी इसका कोडोमेन हो जाएगा। तो इसमें डोमेन और रेंज हमसे नहीं पूछा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, वरना डोमेन 1, 1 दो बार नहीं लिखना, फिर आपको एक ही बार लिखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक डायग्राम दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया है, पी से क्यू में एक रिलेशन बताया है, ये पी है, ये क्यू है, पी में एलिमेंट 5 का कनेक्शन 3 से, ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये केवल पॉइंट को डिनोट कर रहा है, 6 का कनेक्शन आपका 4 से, 7 का कनेक्शन आपका 5 से। अब आपको कहा है कि राइट दिस रिलेशन इन आर, एक रिलेशन है पी से क्यू में, दो तरीके से लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। तीसरा लिखना है आपको रेंज और डोमेन ऑफ आर। तो ये भी बहुत सिंपल काम है, साथ आप बने हुए हैं, देख रहे हैं, पेशेंस के साथ चीज़ें समझ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा करेंगे। तो आर एक रिलेशन है, आर कैसा रिलेशन है, पी से क्यू में, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, किस तरीके से रिलेशन है तो मैं आपको लिखाता हूँ, आर एक रिलेशन है पी से क्यू में, कैसा, आर के अंदर एक्स कॉमा वाई है, सच दैट वाई जो है ये है और x ये है, तो x y से 2 ज़्यादा है, ऐसा लिख दो, या ऐसा लिख दो कि y x से 2 कम है। तो अगर आप ऐसा लिख दो कि x इज इक्वल टू क्या लिख दें आप, y प्लस 2, x y से 2 ज़्यादा है, y क्या चीज़ है, तो y क्या है, y 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है, कैसा नेचुरल नंबर है, 2 से बड़ा, और बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, तो y इज अ नेचुरल नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, और लेस देन लिखा है केवल,
क्योंकि हर एक आदमी अलग अलग तरीके से लिख सकता है, लेस देन सिक्स। और क्या बात है, और बात है कि एक्स और वाई कौन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो दो से बड़ा और छः से छोटा वाई, तो वाई दो से बड़ा और छः से छोटा, वाई थ्री होगा, वाई फोर होगा और वाई फाइव। जब थ्री रखोगे तो एक्स सेवन होगा, फाइव होगा, फोर रखोगे तो एक्स सिक्स होगा, फाइव रखोगे तो एक्स सेवन होगा। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। दूसरा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में तो लिखना बेहद आसान है, रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल आसान है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर तो डायरेक्ट है, आर के अंदर ये एलिमेंट आएंगे 5.3, 6.4 और 7.5, बस इट्स एनफ। अब डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, तो डोमेन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन, तो आर का डोमेन आपको मैंने बता दिया, रिलेशन में जो एक्स कोऑर्डिनेट से उनका सेट 5, 4, 7, ये डोमेन। रेंज क्या है, रेंज ऑफ आर जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 4, 5। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज का कंसेप्ट, और हमने सारी चीज निकाल दी। हम अगले क्वेश्चंस में आएंगे, आगे के क्वेश्चंस सब काफी सरल हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए बी, ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आर के अंदर एक रिलेशन है, रिलेशन का नाम आर दिया है, आर के अंदर वो ए कॉमा बी है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, और दिया है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यहां तक। अब आपको बोला है फाइंड आर इन रोस्टर फॉर्म, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। तो सबसे पहले तो आपको आर निकालना है, फिर डोमेन और रेंज की बात है। पर दोस्तों डोमेन और रेंज निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, आर के लिए ए क्रॉस ए, क्योंकि आर किस पे डिफाइंड है, आर डिफाइंड है ए पे, यानी आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, आर ए से ए में डिफाइंड है, आर ऑन ए का मतलब है आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ये कोडोमेन है ए, ये आर का कोडोमेन है, पूछा नहीं है फिर भी मैंने आपको बताया। अब ए क्रॉस ए निकाल लें, ए क्रॉस ए में 36 एलिमेंट्स आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1 से लेके कहाँ तक, 2, 6 तक, 6, 1 से लेके 6, 6 तक। आर क्या चीज है, तो आर में ये दिया है कि आर में ध्यान से देखें, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी मतलब बाद वाला, बी मतलब ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या वन से ये वन डिविजिबल है, ये वन डिविजिबल है उससे, हाँ, तो आर के अंदर 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, क्यों, 2, 1 से डिविजिबल है, बी, बी मीन्स बाद वाला, बाद वाला पहले वाले से, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, क्योंकि 4 भी तो डिविजिबल है ना 1 से, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 2.1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 2.1,
भाई 2,1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये 1, 2 से डिविजिबल नहीं है। 2, 2 आएगा, हाँ आएगा। 2, 4 आएगा, आएगा। 2, 3 नहीं आएगा, 2, 6 आएगा। 3 वाली कैटेगरी में 3, 3 आएगा और 3, 6 आएगा। थ्री थ्री आएगा, 3, 6 आएगा। 4 की कैटेगरी में 4, 4 ही आएगा क्योंकि 4 ही 4 से डिविजिबल है। बाकी जो 1 से लेके 6 तक है केवल 4 एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। 5 में एक नंबर आएगा 5, 5। 6 में भी एक ही आएगा 6, 6। आप पूरा चार्ट बना के चेक भी कर सकते हैं। डोमेन, डोमेन ऑफ आर ऐसा भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर, और ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट डी और सबस्क्रिप्ट पे आर। पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट में रिपीट हो रहे हैं 1, 1, 1, 1 बहुत बार, 1 एक ही बार आएगा। 2 दो बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, एक बार आएगा। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ गया, पूरा एक ही जैसा आ गया। नो इशू, डरने की बात नहीं, आ गया तो हम कुछ कर नहीं सकते। रेंज ऑफ आर, आर आर रेंज, रेंज में कौन से बाद वाले एलिमेंट, तो बाद में कौन कौन आए हैं, 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, और बार बार आए हैं तो आते रहे, बार बार आए तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 कंपेरेटिवली बहुत ईजी है, 6, 7, और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने देखा, आपने समझ भी लिया इसको, जो कि आपके काफी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आर में एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 आएंगे, अलग अलग तरह से दिया है रिलेशन कैसे कैसे डिफाइन हो सकता, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आर निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल है। 0 रख दें आप पहले, तो 0, 5, 1 रख दें तो 1, 6, 2 रख दें तो 2, 7, 3 रख देंगे 3, 8, 4 रख दें तो 4, 4 + 5, 9, 5 रख देंगे। अब डोमेन ऑफ आर, जो पहले एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, रेंज ऑफ आर जो बाद के एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये रेंज हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6, 7, 8 और 9। ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, आप साथ बने रहें, देखते रहें। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। दोस्तों चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिए, इसलिए कि ये दोस्तों तक आपके बात पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जहाँ ये सर्विस मिलना मुश्किल हो जाती है, और एक बार उन तक बात पहुँच गई तो आपका बड़ा उपकार होगा उनके ऊपर, आपकी बड़ी हेल्प होगी उनकी। और इसका ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बताया कि सारे इंडियंस तक पहुंच जाए, सारे मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच जाए, चाहे वो रूरल का हो, चाहे वो अर्बन का हो, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, चाहे वो एलिट क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास का हो, सब तक बात पहुँचे, सब मैथमेटिक्स सीखे और देश आगे आए। सेवेंथ में है राइट द रिलेशन आर, बिल्कुल सिंपल है, ये और सिंपल है, इसमें एलिमेंट
एक्स कॉमा एक्स क्यूब है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर, तो एक्स क्या होगा 10 से छोटा प्राइम, 9 नहीं 3 से डिविजिबल है, 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा और 2 होगा, और 1 को इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, आपको मालूम है, तो आप चाहें तो नीचे से स्टार्ट करते या ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, 2 क्यूब, 3, 3 क्यूब, 5, 5 क्यूब, बस हो गया आपका आंसर आ गया दोस्तों, 7, 7 क्यूब ये आ गया। अब आप, मैं चाहता हूँ कि खुद ही वैल्यू कैलकुलेट कर लें और लिख लें, अब आप होशियार हो चुके हैं काफ़ी। ए 8th क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ए में 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी में 2 एलिमेंट है 1, 2, आर एक रिलेशन है कहाँ से कहाँ में, ए से बी में, तो आर क्या होगा एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, ऐसे कितने रिलेशंस होंगे, तो ऐसे कितने रिलेशंस होंगे, तो ऐसे कितने सबसेट्स होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट। तो आपने सबसेट वाली मेरी जो वीडियो हो नहीं देखी है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट, तो उसमें आपने देखना कि 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इतने सबसेट्स होंगे, कितने सबसेट्स होंगे 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए में कितने हैं 3, बी में कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 3 into 2, 6, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 to the power 6, 2 to the power 6 मीन्स 64। इसका आंसर क्या होगा, 8th का आंसर होगा 2 to the power 6, 64, ऐसे 64 रिलेशंस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9, और 9 के साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त होगी, फिर मैं आपको अगले वीडियो में फंक्शंस की एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा, और फंक्शंस की एक्सरसाइज के बाद जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो एक बार फिर रिलेशन के क्वेश्चंस, आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करते रहें तो आपको आगे की डिटेल मिलेगी। आर 9th, लेट आर बी अ रिलेशन, 9th में एक रिलेशन है आर ऑन जेड, जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट करते हैं, 0, ±1, ±2, कॉम्प्लेक्स में वो जो जेड होता है वो स्मॉल होता है, ये कैपिटल जेड है, ये इंटीजर्स है। कैसा डिफाइंड है आर, आर ऐसा डिफाइंड है कि आर के अंदर वो ए कॉमा बी आएंगे सच दैट ए माइनस बी इज एन इंटीजर, कौन से आएंगे ए कॉमा बी, वो आएंगे जिनका डिफरेंस इंटीजर होगा। आपको डोमेन ऑफ आर निकालना है, आपको रेंज ऑफ आर, यही पूछा है उन्होंने, आर नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा आर, तो आप समझ सकते हो आर इसलिए नहीं पूछा आपसे क्योंकि कोई भी दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इंटीजर होगा, तो आर में क्या होगा,
ये तो इनफाइनेटली में नहीं आएंगे आर में, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर में से एक इंटीजर माइनस करोगे तो क्या होगा, इंटीजर होगा। इसलिए उन्होंने केवल आपसे डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है। तो डोमेन ऑफ आर में क्या होगा, सारे इंटीजर्स होंगे मतलब जेड होगा, सारे इंटीजर्स मतलब सारे इंटीजर्स आएंगे जेड। रेंज भी क्या होगा, जेड। कोडोमेन पूछा नहीं है फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोडोमेन ऑफ आर, आर का कोडोमेन, आर का कोडोमेन जेड। क्यों, क्योंकि आर कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आर ऑन जेड, आर जेड में डिफाइंड है, इसका मतलब आर जेड से जेड में डिफाइंड है, इसलिए ये इसका कोडोमेन हो गया। क्लियर है? तो ये था डोमेन रेंज क्वेश्चन नंबर 9। टाइम लगभग 56 मिनट्स हुए, आपने इतना टाइम स्पेयर किया, मेरी बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू दैट यू हैव डिवोटेड दिस मच टाइम टू लर्न समथिंग, लर्न समथिंग फॉर योर सेल्फ, लर्न समथिंग फॉर सोसाइटी। तो आप इतना सब कुछ सीखते हैं तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी हूँ। चैनल को आप आगे बढ़ाएं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। विश यू ऑल द बेस्ट।